डे स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोशल नॉम्स एंड इट्स टाइप्स विच आर फोक वेज मोरेज एंड टेबोज नॉर्म्स आर द गाइडलाइंस और रिटन और अनरिटन रूल्स दैट गवर्न द बिहेवियर विद इन द कल्चर नॉर्म्स जो हैं बेसिकली वो गाइडलाइंस होती हैं वो रास्ते होते हैं जिन पर चलकर वैल्यूज़ को अचीव किया जा सकता है तो so, वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपके माशरे में स्टैंडर्ड्स होते हैं उन वैल्यूज़ को कैसे अचीव किया जा सकता है उसके लिए जो गाइडलाइंस माशरा प्रोवाइड करता है उनको नॉर्म्स कहते हैं नॉर्म्स अमूमन तीन डिफरेंट टाइप्स के अंदर क्लासीफाई की जाती हैं इन रिलेशन टू देर इंटेंसिटी फर्स्ट वन आर कंसिडर्ड फोकवेज दीज़ आर इनफॉर्मल नॉर्म्स दैट गवर्न आवर एवरीडे बिहेवियर फोक वेज जो होती हैं ये अनिटन होती हैं इनफॉर्मल होती हैं इनके अंदर रेलिटिव फ्लैक्सिबिलिटी होती है इनको बाजुकात ब्रेक किया जा सकता है लेकिन इनके जब हम इन से डेविएट होते हैं तो माशर इसके हवाले से भी एक नेगेटिव एटीच्यूड रखता है लेकिन वो उसको उतनी सख्ती से इम्पोज़ नहीं करता जितनी सख्ती से कि बाकी को के ऊपर बाकी सख्त नॉर्म्स के ऊपर जो है वो इम्पोज़ करता है जैसे कि हम ये कहें कि अगर आप किसी घर में दाखिल हों और आप सलाम ना करें और आप इसी तरह से जो है वो डायरेक्टली जाके उनसे जो है वो, वो मिलते हैं तो ये एक रॉन्ग जेस्चर कंसीडर होता है यानी आपने एक फोक वे या अनरिटर्न रूल को वायलेट किया है इसके ऊपर आपको जो है आ, Uh, आपके इस जेस्चर को जो है वो इस अंदाज से देखा जाएगा दैट यू हैव कमिटेड अ डेवियंस लेकिन इसके ऊपर शायद आपको किसी किस्म की कोई सज़ा ना दी जाए जबकि जब हम मोरेस की बात करते हैं तो दीज आर स्ट्रॉगर नॉर्म्स डेट आर कंसिडर्ड एसेंशियल टू द वैल्यूज़ एंड बिलीफ ऑफ आ कल्चर जो मोरेस होती हैं ये आपकी हाईली इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं मिसाल के तौर पे ह्यूमन लाइफ टू प्रोटेक्ट द्यूमन लाइफ इट इज़ द मोरेज दैड वई कैन नाट किल एनी वन तो आप अगर ख़ुदा न खास्तः माशरे में किसी को कत्ल करते हैं तो उसके नतीजे में आ, कानून हरकत में आता है और कानून के मुताबिक जो है आपको सज़ा दी जा सकती है क्योंकि इसके ऊपर माशरा जो है वो थोड़ा सख्ती से रिएक्ट करता है बिहेव करता है मोर इज़ आपके लिए फॉर्मल या रिटर्न रूल्स प्रोड्यूस करती हैं जिनको हम लॉस भी कहते हैं देन वी हैव द टैबूज़ टैबूज आर द फॉरबिडन बिहेवियर दैट आर कंसिडर्ड एक्सट्रीमली रॉन्ग और अनएक्सेप्टेबल विद इन अ कल्चर टैबूज़ जो हैं ये मुआरे के ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिसके हवाले से मुशरा अमूमन बात करना क्या शायद सोचना भी गवारा नहीं करता मिसाल के तौर पे बहन भाइयों का आपस में शादी करना इट् इट इज़ कन्सिडर्ड टैबू और आ हाईली नेगेटिव वैल्यू जिसको के माशरा सख्ती से डील करता है और इसके हवाले से चाहे रिटर्न रूल्स हों या ना हो माशरे अपने टैबूज के हवाले से सख्ती से रिएक्ट करते हैं सो so, इम्पॉर्टेंस क्या है नॉर्म्स की कल्चर के अंदर नॉम्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी अगर नॉर्म्स नहीं होंगी फॉर्मल रिटर्न रूल्स जो हैं या इनफॉर्मल रूल्स अगर माशरे के अंदर नहीं होंगे तो इंडिविजुअल मेंबर्स को जो है अपनी ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त ये नहीं पता होगा दैट हाउ दे शुड बिहेव तो बिहेवियर के लिए जो प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं वो इन्हीं नॉम्स के ज़रिए रिफ्लेक्ट होती हैं सो नॉर्म्स हेल्प टू डिफ़ाइन एंड री द कल्चरल वैल्यूज़ एंड बिलीफ सिस्टम दे कैन चेंज ओवर टाइम एज़ कल्चरल वैल्यूज़ एंड बिलीफ ऑल्सो इवॉल्व जैसे कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के आने से बहुत सी ऐसी ट्रडिशनल नॉर्म्स जो हैं वो बदल गई हैं आपके कम्युनिकेशन के अंदाज़ बदल गए हैं आपके जो आ, लिविंग पैटर्नस हैं उसके अंदर एक तब्दीली आई है तो वक्त के साथ साथ जो, जो चीज़ें जैसे जैसे माशरे के अंदर नई वैल्यूज़ या नई इनोवेशंस इंट्रोड्यूस होती हैं वैसे वैसे आपके सोशल नॉर्म्स के अंदर भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं पाकिस्तान में अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इज़ कंसिडर्ड द नॉर्म्स एंड मोर इज इज़ द रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स वेर एज द टैबू इज डिसऑनेस्टी डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर एंड पर्टिकुलरली हैविंग इंटीमेट रिलेशनशिप विद योर क्लोज Relatives is considered a taboo.